हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्रेया और आप देख रहे हो टिप्सी बॉम्ब ट्रैवलर्स। मैं इस वीकेंड में एक नया वीडियो आपके लिए लाई हूँ, वो है सिक्किम की। तो चलिए मेरे साथ आप सिक्किम देखिए। मोस्टली साउथ सिक्किम मैं कवर कर रही हूँ। आप चलिए देखिए और मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। पहला स्पॉट है नामची चार धाम, या फिर आप इसे सिद्धेश्वरी धाम भी बोल सकते हो। सिलीगुड़ी से नामची चारधाम का डिस्टेंस 90 किलोमीटर्स है। अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटा लगता है यहाँ पे आने में, और गैंगटॉक से 2.5 घंटे का डिस्टेंस है, और किलोमीटर वाइज देखा जाए तो 84 किलोमीटर्स। नामची इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ सिक्किम। आप नामची एक दिन में डे ट्रिप कर सकते हो। ये रहा टिकट काउंटर। यहाँ एंट्री पर हेड 50 रुपये है और पार्किंग चार्जेस भी 50 रुपये है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के चार धाम का उल्लेख है, पुरी जगन्नाथ धाम, तमिलनाडु में रामेश्वरम, गुजरात में द्वारका और उत्तराखंड में बद्रीनाथ। इन चारों धाम का रेप्लिका यहाँ नामची चारधाम में बनाया गया है। नामची चारधाम एक्चुअली नामची शहर से 5 किलोमीटर की दूरी में है। यहाँ आपको जूते रख के जाना होता है। ये स्पॉट इसलिए इतना पसंद किया जाता है कि चारों धाम दर्शन आप एक साथ ही कर सकते हो। ये है उत्तराखंड के बद्रीनाथ टेंपल की रेप्लिका। ये है तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर की रेप्लिका। ये है पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रेप्लिका। और ये रहा गुजरात का द्वारका मंदिर का रेप्लिका। यहाँ और भी मंदिर है इस चारधाम में, जो चारधाम के साथ में बनाई गई है। सिक्किम में महादेव को पूजा जाता है, इसीलिए चारों धाम घेर के रखे हैं एक महादेव की मूर्ति को, जो 87 फुट हाइट की है। आप इसको दूर दूर से देख सकते हो। सेकेंड स्पॉट है समद्रूप से। नामची शहर से समद्रूप से का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स का है। ये है उनका पार्किंग एरिया और यहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं जहाँ पे आप चाय पानी के लिए रुक सकते हो। अगर आप समद्रूप से गाड़ी में नहीं आना प्रेफर करते हो तो यहाँ पे केबल कार का भी फैसिलिटी है। आप नामची से केबल कार में डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो।
संद्रूपसे का मतलब द विश फुलफिलिंग हिल्स इन भूटिया लैंग्वेज में। ये स्टैचू गुरु पद्म संभव का है जो हिल टॉप में 45 मीटर्स का हाइट में बनवाया गया है। ये लोकेशन काफ़ी काम एंड सेक्लूडेड है। आप ऊपर से पूरा नामची शहर को देख सकते हो। मॉनेस्ट्री के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ पे प्रेयर व्हील्स है। यहाँ कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स भी है जो सिक्किम की हिस्ट्री के बारे में कहती है। थर्ड स्पॉट है टेमी टी गार्डन। ये नामची से 29 किलोमीटर्स की दूरी में है। अराउंड एक घंटे के ड्राइव में आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। ये टी गार्डन 1969 में बनी थी सिक्किम गवर्नमेंट के अंडर में। ये सिक्किम की वन ऑफ द बेस्ट टी गार्डन में से एक है एंड इवन इंडिया में भी इसको वन ऑफ द बेस्ट टी गार्डन में से माना जाता है। यहाँ की चाय टॉप क्वालिटी की होती है, पर सबसे अच्छी बात है यहाँ की व्यू। आप जस्ट इस व्यू को देखिए। मैं इतनी सुंदर टी गार्डन कभी नहीं देखी हूँ। यहाँ एंट्री फी 20 रुपये पर हेड है और ये जगह को आप प्लीज ना मिस कीजिए। आप जब भी साउथ सिक्किम आइएगा ज़रूर टेमी टी गार्डन जरूर आके देख के जाइएगा। हाईली रिकमेंडेड है। And if you have missed our previous video, जो food tour के होते हैं या फिर stays के होते हैं, आप ये I button में जाके जरूर क्लिक करके देखिए, क्योंकि ऐसी जगह मैं बहुत कवर करती हूँ। जो इस चैनल पे नए हो, प्लीज मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो पुराने हो, मुझे जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं कई और जगह नई वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।